गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ का EVS का वॉल टेल स्टोरीज़ के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ये आपने लेसन पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, लेकिन आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई वर बेस्टियंस मेड इन द फोर्ट वॉल। फोर्ट क्या होता है? किला। कहते हैं ये बेस्टियंस क्यों बनाए गए हैं फोर्ट वॉल के अंदर। बेस्टियंस वेर मेड इन फोर्ट वॉल टू एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द फोर्ट। ताकि इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो किला है, जो बड़े बड़े बादशाह बड़े बड़े किले बनाते थे अपनी सिक्योरिटी के लिए बनाते थे, ठीक है ना, ताकि कोई उन किलों को चढ़ने में कितना टाइम लगता था, ठीक है ना, वो एक किस्म की सुरक्षा करते थे अपनी, ठीक है ना, कि ताकि हम अंदर बचे रहें, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए ऐसे बेस्टियंस बनाया। वाई वर बिग होल्स मेड इन दैम। अच्छा देखो, ये जैसे ये पिक्चर दी गई है, ये क्या है, दिस इज़ द वॉल ऑफ द फोर्ट, ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या बड़े बड़े होल्स क्यों बनाए गए हैं, इसका क्या मतलब था होल्स बनाने का। बिग होल्स मेड इन द फोर्ट वॉल इज़ टू इंक्रीज द व्यूइंग एरिया, द सोल्जर्स कुड हेल्प दीज कुड लुक थ्रू दीज होल्स एंड कुड कीप ए बेटर विजिलेंस। क्या मतलब है, ताकि जो अंदर जो सिपाही हैं वो उन होल्स से देखते थे कि हमारी तरफ दुश्मन तो नहीं आ रहा है या कोई हमें ऐसा खतरा तो नहीं पैदा हो रहा है, वो अंदर से विजिलेंस रखते थे, यानी अंदर से वो क्या रखते थे, रखवाली करते थे, ठीक है ना, उन होल्स से देखते थे उनकी तरफ कौन आ रहा है, कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिफरेंस वुड बी देयर इफ यू वेयर टू लुक फ्रॉम ए स्ट्रेट फ्लैट वॉल और बेस्टियन एट हाइट। कहते हैं अगर आप सीधी वाली वॉल से देखोगे, स्ट्रेट वॉल से, फ्लैट वॉल से, या जो सीधी होती है जिसके ऊपर कोई बेस्टियन वेस्टियन नहीं होता है, एट ए हाइट और एट ए और ए बेस्टियन, या आप बेस्टियन वाली वो जो जैसे गोल गोल आपको मैंने अभी बताया पिक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन में, तो अगर उनसे आप देखोगे या सीधी वाली, हाउ वुड द सोल्जर फाइंड पीपिंग फ्रॉम द होल्स इन द बेस्टियन यूजफुल वाइल अटैकिंग। बेस्टियन वेयर मेड इन फोर्ट इन सच ए वे। कहते बेस्टियन को ऐसे बनाया जाता था वो जो गोल जैसे हैं, दैट सोल्जर कैन इजली पीप फ्रॉम होल, ताकि बेस्टियन के जो अंदर वो जैसे एक बेस्टियन लगाया दूसरा, तो बीच में क्या हो गया, बीच में वो होल होता था, ठीक है ना, यानी सुराख, उससे वो विजिलेंस रखते थे अपने, हमारी तरफ तो नहीं कोई आ रहा है, एंड इट प्रोवाइड्स बेटर वेंटेज यानी विजिलेंस, ठीक है ना। पॉइंट वेयर ए लार्ज एरिया कुड बी सीन, जो उन सुराखों में से उनको पूरा दूर तक एरिया दिखता था और उनको कोई देख भी नहीं सकता, वो देखते थे सबको। इट वुड हैव बीन पॉसिबल फ्रॉम ए इट वुड नॉट हैव, तो अगर हम फ्लैट वॉल बनाएंगे तो उसमें कहाँ, उसमें मत है ये पॉसिबल है, ये वेस्टर्न वाली वॉल से जिसको ऊपर वो गोल गोल से बनाते हैं, यानी बेस्टियंस बनाते हैं। थिंक एंड डिस्कस, हाउ वुड द फाउंटेंस हैव वर्कड। फाउंटेंस क्या होते हैं, फुवारे, फुवारों कैसे काम करते हैं। फाउंटेंस वुड हैव गॉट सप्लाई फ्रॉम ए लार्ज, कहते हैं जो उस ज़माने में जो फाउंटेंस बनते थे वो कैसे काम करते थे, उनको कहाँ से वाटर सप्लाई मिलता था, फ्रॉम ए लार्ज टैंक्स, बड़े बड़े पानी के टैंक होते, उनसे उनको वाटर सप्लाई, तो वो काम करते थे, फुवारे खूबसूरत लगते थे। देन कम नेक्स्ट क्वेश्चन, वट अरेंजमेंट वुड हैव बीन मेड इन बिल्डिंग फॉर एयर एंड लाइट। अच्छा तो आप मुझे बताओ एयर एंड लाइट के लिए कौन सा अरेंजमेंट बनता था, ठीक है ना, कि एयर कैसे, हवा कैसे अंदर आई वेंटिलेशन, मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, और लाइट कैसे आएगी। लार्ज विंडोज़, ठीक है ना, लार्ज विंडोज़ वेयर, लार्ज विंडोज़ लार्ज विंडोज़ डोर्स एंड वेंटिलेटर वुड हैव बीन मेड इन द बिल्डिंग फॉर दैट। कहते हैं बड़े बड़ी खिड़कियाँ बनाते थे, बड़े बड़े दरवाजे बनाते थे वेंटिलेशन के लिए, वुड हैव बीन मेड इन बिल्डिंग फॉर एयर, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ बनाते थे कि हवा और लाइट अंदर अच्छी तरह से जाए, और वो वैसे ही दरवाजे भी बनाते थे। तो बच्चों आज हमने क्या किया, इसके क्वेश्चन किए हमने कुछ, हमने इसके चार पाँच क्वेश्चन किए, तो यह आप लिखोगे अपनी कॉपियों पर साफ साफ और लर्न भी करोगे, कल हम बाकी करेंगे।